नमस्कार साथियों, शुभम एकेडमी के एजुकेशन चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज का वीडियो हमारा सभी किसान भाइयों के लिए है जो किसानी या खेती के लिए जो है कि उपकरण लेना चाहते हैं, कृषि अभियंत्र लेना चाहते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उससे संबंधित हमारा वीडियो है। इसके पहले भी हमने पिछले सीजन में भी इसका वीडियो बनाया था और उसकी जानकारी शेयर की थी। तो जो भी किसान भाई कृषि उपकरण के लिए उपकरण लेना चाहते हैं और उस पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और इसके लिए साइट है mpfstc.mp.gov.in। तो यहाँ पर अब इसको थोड़ा अपडेट कर दिया गया है और अपडेट के साथ में ही कुछ चीज़ें इसमें जोड़ दी गई है। तो यहाँ पर आपको किसी भी संबंधी इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे पोर्टल पर, यहाँ पर ये पोर्टल जो है MPFST का, इस पर हमारे सामने कांटेक्ट नंबर आ रहे हैं। इस कांटेक्ट नंबर को आप नोट कर लीजिए, 7828844414। इस पर आप कोई भी जानकारी इससे संबंधित प्राप्त कर सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि साइट पर जा कर के यहाँ पर अब नए पोर्टल पर इसका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके लिए हम इस लिंक को क्लिक करते हैं और यहाँ पर यानी कृषि यंत्र अनुदान आयोग की ये साइड है, ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अब इसको अपडेट कर दिया गया है जिसके अंतर्गत सभी जानकारी आपको पोर्टल पर ही प्राप्त होगी। साथ ही साथ अब इसको आधार से जोड़ दिया गया है, यानी इसके लिए आधार कार्ड नंबर मैंडेटरी है और उसके साथ में आधार ई वेरीफिकेशन भी इसमें होना है। तो सभी किसान भाई पहले तो अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक करवा लीजिए और बार बार जो मोबाइल आप चेंज कर देते हैं वो चीज़ अब आप ना करें तो आपको क्या है, समस्या नहीं आएगी। इसमें किन किन चीज़ों पर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं ये भी इसमें लिंक में दे रखा है, तो हम इसकी लिंक वीडियो अगले से बनाएंगे तो उस वीडियो को आप अवश्य देखें, जिसके अंतर्गत ये मालूम पड़ जाएगा कौन कौन से अभियांत्रिकी में आपको सब्सिडी प्राप्त होगी। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ फील्ड है जो मैं आपको बता देता हूँ, इसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और एक बार लॉगिन आईडी बनाने के बाद आप आगे के लिए भी पंजीकृत हो पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर आईडी लॉगिन करना होगा। उसके लिए आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मैं अभी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ शाजापुर डिस्ट्रिक्ट। ब्लॉक आपको आपका सिलेक्ट करना रहेगा, जो भी आप ब्लॉक आपका आता है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके अंतर्गत ग्राम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, उस ब्लॉक के अंतर्गत जो भी आपका ग्राम है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। किसान पुरुष महिला कृषि का कृषक का वर्ग यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, उसकी श्रेणी उसके अंतर्गत आपको जोत की श्रेणी यहाँ पर निर्धारित करनी है, लघु है, सीमांत है, तो जो भी आप आते हैं उसके अंतर्गत आप डाल दीजिए। कृषि यंत्र क्या लेना चाहते हैं, ट्रैक्टर ड्रिप ये सारे यहाँ पर दे रखे हैं, इनके लिए आप सब्सिडी ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं रहता है, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो आप लोगों का दायित्व है, सभी लोगों का दायित्व है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग किसान भाइयों को उसके बारे में पता चल पाए ताकि वो सब्सिडी के लिए आवेदन कर पाए। तो यहाँ पर जो भी लेना है, जैसे मैं ट्रैक्टर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ट्रैक्टर यहाँ पर लेना है, अभी उपलब्ध नहीं है ये, सभी का अलग अलग डेट होता है इनका, ड्रिप सिस्टम शायद अभी उपलब्ध नहीं है, इनकी डेट इनकी रहती है, डेट के अनुसार आपको ये मिलना है ना। तो जो भी आपको लेना है, रोटावीटर हो गया भी हो सकता है, अभी चयनित नहीं आ रहा है, तो वो आप इसमें सेलेक्ट करें, आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर। साथियों ये अभी रजिस्ट्रेशन इसका ज़रूरी है, बायोमेट्रिक के द्वारा वेरिफिकेशन होगा। मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए, एक शब्द को क्लिक करके लॉगिन आईडी बना लीजिए। आईडी बनाने के बाद आपको इसका डिटेल जो है कि उसमें भी आप सबमिट कर पाएंगे और जैसे ही आपका आवेदन हो जाता है तो आप इन सूची में जुड़ जाएंगे, यानी आप कुल पंजीकृत कितने निर्माता है वो भी आ रहा है इसमें, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उनको भी इस पर रजिस्ट्रेशन करना है उनको अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, डीलर कितने हैं, आवेदक सूची कृषि उपकरण कितने हैं, कृषि आवेदकों के लिए सिंचाई उपकरण कितने हैं, कुल अनुदान आयोग, यानी पूरी डिटेल यहाँ पर है। वर्तमान आप जब रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो इस सूची में आपका नाम भी आने लगेगा
जिसको आप डिटेल ऑप्शन को 2017 की सूची के अंतर्गत आप इसको जोड़ लेंगे। एक और बात यहाँ पे आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो पुराने रजिस्ट्रेशन थे वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके क्लोज हो जाएंगे यानी अमान्य हो जाएंगे। अब आपको फिर से नया रजिस्ट्रेशन करना है तभी आप सब्सिडी का लाभ उठा पाएंगे। तो सभी किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुँचे इसके लिए आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।